अच्छा S1 स्टार्ट कर दिया है, चलो अच्छी बात है। विच चैप्टर्स योर जी, डेटा तो मैं रिप्रेजेंटेशन? हाँ वो पहली क्लास में तो चैप्टर 1 तो बस 3 पेज करा, तो उन्होंने मतलब ज्यादा टाइम है क्योंकि चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया उसका। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह उसका भी पोस्टमार्टम कर देंगे, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। ठीक है सही जी तो मैं सोच रहा था कि अब तो अगर हम चैप्टर 4 के लिए बस एक और क्लास लगेगा ना खलास करने के टॉपिक। है। हाँ ये हमारे पास है एड एक्सेल मैथ्स प्योर मैथ्स P1 बुक है, और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन है, एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अब ये हमें सॉल्व करना है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ये हमारे पास है। अच्छा, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, जी, तो हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। माइनस 4x माइनस एक्स माइनस प्लस 4, ठीक है, और ये जगह लेस देन 2x माइनस 8, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 2x माइनस 8, सही है। जी ये हो जाएगा, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 और प्लस माइनस -7x सॉरी माइनस 7x और प्लस 12, 12। ठीक है, लेस देन 0 हो जाएगा, ऐसा ही है ना? जी, अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? सही है, -3 और -4 दो आ फिर दो गए, एक्स की वैल्यूज मिल गए हम, x-3 x-4 ब्रैकेट में इक्वल टू ठीक है, लेस लेस देन देन 0। 0। अब यहाँ पता है कि इसका इसने पीछे भी कहा था ना कि ये कर्व लेस देन 0 कब आ रहा है, ठीक है, कौन सी ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स है जिसमें कर्व लेस देन 0 कब आ रहा है? अब देखो, यहाँ देखो, ये पॉजिटिव, ये तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स कर, तो कोफिशिएंट कैसा बनेगा? कर्व ऐसे बनेगा, यू शेप, ऐसे ही हो रहा, जी ठीक है। जी तो आई थिंक यहाँ जरा देखो बेटा कि ये क्या चीज है, वेयर द कर्व, इसको हम लिख देते हैं, ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, तो हम यहाँ ये सब ये अज्यूम करते हैं कि वाई लेस देन 0 कब हो रहा है, यानी कर्व कौन सी एक्स की वैल्यूज पे नेगेटिव पे जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो बहुत ही आसान है, ये हमारे पास है और ये है, सही है, ये जी कार्ड कुछ ऐसा बनेगा, 3 और 4 पॉजिटिव यहीं पे बनेगा, यहीं पे कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। तो ये 3 और ये 4, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्टेक्स, हम परफेक्ट स्क्वायर से कर लेंगे, तो अभी फिलहाल वो शेड करो बस, ठीक है, जो हमें एक्स वैल्यू चाहिए वो करते हैं, हमें जो पूछा हुआ है ना उसके लिए इतना डाटा काफी और है, ठीक है। वाई 0 है, क्या वाई हम 0 लेंगे, मतलब वो वाई के एक्सिस नहीं टच करेंगे। नहीं, ये डायरेक्ट ही आ गए ना बेटा, डायरेक्ट इक्वेशन आ गई ना, ये इसके रूट डायरेक्ट ही आ गए, 4 3 और 4, बस इतना काफी है, सही है। अच्छा ठीक आप देखो है, कौन सी, ये क्या लिखा हुआ है कि ये पूरी इक्वालिटी लेस देन 0 है, मतलब कर्व लेस देन 0 कब है, नेगेटिव कहां पर है? देखो कर्व इस पोर्शन में क्या है, ये वाला जो पोर्शन है कर्व का, एक्स एक्सिस से कम जी, हाँ यानी ये एक्स एक्स एक्सिस से नीचे कब हो रहा है, नेगेटिव कब हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कब आ तो रहा है, जब एक्स ग्रेटर नहीं, कर्व देन 3 होगा। कर्व वाई इक्वल टू 0 से नीचे कब जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, वाई इक्वल टू 0 ना, कर्व ये नेगेटिव जी वाई है ना, यहाँ पे नेगेटिव वाई है, यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 है एक्स एक्सिस पे, जी उससे जैसे नीचे जाएगा तो वाई 1 -1 -2 -3 हो जाएगा ना, ये जो वाई वाई की वैल्यूज है, ठीक है, नेगेटिव है, जी हाँ तो वाई की वैल्यू चेक करनी है हमें, वाई की वैल्यू चेक करनी है, सही है। तुम क्या लिख देंगे, 3 से आगे 4 से पीछे, तो यहाँ लिख देंगे कि एक्स की वैल्यू कौन सी आएंगी, ग्रेटर देन 3 और लेस देन जी 4, ठीक है। दिस इज हाउ वी सॉल्व एड एक्सेल जी पेपर 1 रिव्यू क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, सही है।